आपको गाड़ी में बताया था कि आज एक मैं बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका पूरा नाम है, तो नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप शक्ल देख के उन्हें पहचान लेंगे। तो चलिए अंदर। तो सर चलिए। कोई पहचान के मोहताज नहीं है और 3 बार जिला पंचायत बागपत से रह चुके हैं और 2 बार विधायक बागपत क्षेत्र से, जो कि मौजूदा में भी अभी विधायक हैं। जैसे कि मैंने बताया 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बागपत से, 2 बार विधायक, और उनका शुभ नाम है, पहले मैं उनकी शक्ल दिखा देता हूँ, नाम आप अपने आप समझ जाएंगे। आइए ये हैं हमारे बड़े भाई पूजनीय हैं योगेश जी। बढ़िया, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सब स्वागत है। स्वागत क्या, मैं तो अपने घर में आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाम बताने की जरूरत नहीं है, पर सबका एक नाम होता है। ये है हमारे योगेश धामा जी, 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष, 2 बार विधायक, मौजूदा में भी विधायक, और मेरे बड़े भाई, कहते ना फिल्मों में मेरे चाचा विधायक हैं, मेरा बड़ा भाई विधायक है। तो भैया मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मैं पता नहीं कितनी बार आपसे पिछले 10-12 साल से मिली, बचपन से आप मुझे देख रहे हैं। ये ऑफिशियली कैमरे पे जो पहली बार मैं मीटिंग कर रहा हूँ, और जैसा कि आपको बताया मैंने सीरियल में काम किया, चीजें करी, आपको तो सब कुछ पता है, आपने सपोर्ट भी बहुत किया। अभी मैं आपसे आपकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ जी। जैसे कि 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक, तो ये राजनीति का कीड़ा कहाँ से काटा, आप थोड़ा सा बताइए। लोग जानना चाहते हैं, जो योगेश धामा को तो विधायक MLA के नाम से जानते हैं, तो वो उनकी निजी जिंदगी के बारे में सामने से पूछते हुए हिचकते हैं। तो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से कीड़ा काटा। ऐसा भैया, राजनीति का कोई कीड़ा नहीं काटा। छात्र समय से ही, मतलब कॉलेज सामलाल कॉलेज में हम पढ़ते थे, पहले दिल्ली से इंटर पास किया, फिर सामलाल कॉलेज से डिग्री ली BCom की, तो वहीं से कुछ अपने साथी साथ रहते हैं, तो उन्हें लगता है बट ठीक है, जो आदमी थोड़ा चीज़ों को आगे लेके चलता है, लोगों की समस्याओं को आगे लेके चलता है, तो लोग छाट लेते हैं कि भाई इस आदमी को आगे लेके चलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 97 में प्रेसिडेंट का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव वहाँ से लड़ने के लिए कहा, तो मैं वो लड़ा, तो फिर वो चुनाव हम जीते 97 में। तो ऐसे ही एक फिर शुरुआत होगी, फिर बोली छोड़ने के बाद फिर एक जुड़ जाते हैं लोग, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई धीरे धीरे आगे चले, आगे बढ़े, क्योंकि ये राजनीति का मतलब सिर्फ एक आदमी का ही नहीं होता, ये पूरा संगठन, उसके साथ जितने लोग लगे रहते हैं, जितने लोगों की मेहनत रहती है, तो उन सबका एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं एक मुकाम तक हम पहुंचे, तो वो सबकी सक्सेस उसमें होती है। जी जी, सक्सेस नहीं, जैसा कि मैं खुद भी देखता हूँ भाई, मैं जैसे मुंबई भी रहा, इंडोनेशिया भी रहा, और अभी जैसे मैं वापस अभी फिलहाल गाजियाबाद में रह रहा हूँ, नाम सुनता हूँ आपका योगेश धामा, हर कोई जानता है, कहते हैं कि काम से नाम की पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काम किया होगा इसलिए आपका नाम इस लेवल पर पहुंचे हैं आज, बीच में रहने का काम किया था। हाँ। और आपने तो देश से शुरुआत यहाँ से की है, कॉलेज से, फिर उसके बाद जिला पंचायत, देन उसके बाद विधायक, और भगवान करे आगे मंत्री, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी मैंने जो समय कह रहे जन सेवा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो आपका राजनीति के बारे में आपने विवरण दिया और लोगों तक ये बात पहुंचेगी अभी तो। और पर्सनल लाइफ में कौन है, कैसे हैं, बचे हैं, कितने हैं? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा लड़का देवांश है, छोटा अर्नव है। अच्छा, बड़ा लड़का अभी ऑस्ट्रेलिया में बीटेक कर रहा है वो। अच्छा, कितनी एज है बड़े बेटे की? एज है 23 के बाद। 23 भाई कहीं से लगते हैं 23 साल का बेटा होगा, पर मुझे तो 40-45 तो खींच के ये तो आपका प्यार है। नहीं, नहीं, सही में आपने सेहत, भगवान करे की सेहत ऐसे बनी रहे आपकी। और कहते ना कि आदमी के विचार अच्छे हो तो वो चेहरे पे झलकता है, नहीं, वो चेहरे पे तेज झलकता है, समझ में आ रहा है। स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं तो स्पोर्ट्स में अभी रहते हैं, तो
शरीर के प्रति, और फिर ये नई जो जनरेशन है हमारी उसे भी संदेश देते हैं हाँ, कि फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट रहना बहुत जरूरी है। और ये मेरा आज जो राजनीति को लेके, मुझे राजनीति की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मोटा मोटा बताया कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी पार्टीज हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जिनका नाम है इंडिया में। पर मैंने शुरुआत की, पहला जो ब्लॉग है राजनीति से जुड़ा हुआ, पहले पॉलिटिशियन आप मेरे ब्लॉग में, तो मैं एक पूरा सेक्शन राजनीति से जुड़े हुए लोगों का, जो भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, लोगों को संदेश दे पाए कि क्यों जुड़ना चाहिए। खाली शोहरत के लिए राजनीति से मत जुड़ो, काम करने के लिए भी जुड़ो। ऐसे लोग होंगे, काम करेंगे, शोहरत अपने आप आएगी। काम करोगे तो देखो शोहरत झक मार के पीछे आएगी। सही बोला भैया। तो आज मैं पूरा दिन, मैंने बोला था कि पूरा दिन तो खैर आप भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत काम है आपको भी, है ना। और भी जो मेरे आने से पहले भी, मतलब 10 बजे मैंने यहाँ एंट्री की है, 9:30 बजे लोग गेट पे थे, अपने याचिका लेकर आए थे, सर ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। और मैंने भैया को देखा, भैया आए हैं बिल्कुल नहा धो के, सुबह उठते ही कहते ना कि सुबह सुबह कलह नहीं करनी चाहिए, दिन खराब जाता है। तो भैया के लिए तो अगर सुबह सुबह किसी की टेंशन ना सुनो तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, इन्हें सुननी पड़ती है। नहाने से पहले मैं पहले मिल चुका लोगों से, अच्छा उससे पहले भी मिल चुके, सुबह 8 बजे से मिल रहे थे, ये तो दूसरा राउंड था। तो आज भैया के साथ कुछ समय गुजारेंगे, देखते हैं भैया क्या क्या करते हैं और करेंगे गुफ्तगु उस दौरान। चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, भैया ने बहुत कुछ खाने का रखा हुआ है, मैं खाता हूँ तो कैलरी कॉन्शियस हूँ, पर फिर भी भैया ने जबरदस्ती करके छाछ मंगाई है, छाछ राबड़ी। तो मैं वो पीऊंगा और उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी लेके फिर दोबारा से भैया से बातचीत करेंगे। हाँ तो भैया अभी कहाँ जाएंगे? अभी एक मम्मी कला जो चुनाव की काउंसिलिंग है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जीत का कैसा लगा? तो आपके साथ ही चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हम भैया की गाड़ी में चल रहे हैं, रिकॉर्ड आप ही करोगे, आ जाओ। तो यार ये भी एक, लोग सोचते होंगे कि एक पॉलिटिशियन गाड़ी में जा रहा है, भाई साहब ये मेहनत की है, ये कम से कम मेरे ख्याल से भैया 20 साल की मेहनत होगी। हाँ 20-25 साल हो गए अब इसमें, है ना, जन सेवा के क्षेत्र में लगे हुए। अब गाड़ी के कोई इशू नहीं, गाड़ी में तो देखो सब गाड़ी में तो पहले से ही नहीं, लोगों के पास गाड़ी नहीं है अब तो हर मिडिल क्लास के पास, सब सबके पास गाड़ी जरूरत हो गई है, गाड़ी तो बेसिक चीज हो गई है। अब इंडिया ग्रो तो कर ही रहा है, गाड़ी में हम तो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर धूप में घूमना है, पैदल ही घूमना है, पैदल चलना, वो चीजें कोई नहीं देखता। लोगों को लगता है कि नेता है, बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड इसलिए रखे जाते हैं, जो कि मैंने भी अभी थोड़ा महसूस किया कि जैसे भैया एकदम बाहर आए तो बॉडीगार्ड एकदम फटाफट आए, क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते हो तो 100 दुश्मन भी बनाते हो अपने, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो भाई आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने अपने लिए नहीं जी रहे हो, आपकी फैमिली भी है, समझे मेरी बात, आप आपकी फैमिली भी है, उनको भी आपकी कहीं ना कहीं एक चिंता रहती है कि मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मेरा भाई पॉलिटिशियन है, इस लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन रहती है कि 100 दुश्मन भी होंगे, तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं। और ये तो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं या पर्सनल? तो नहीं, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट देती है, वो देखती है, वो LIU की रिपोर्ट लगती है कि कौन किस स्तर की सपोर्ट चाहिए, सरकार उसे अप्रूव करती है। अच्छा तो जैसे अभी हम जा रहे हैं कहाँ पर? मवी कला। अच्छा मवी कला तो मैंने सुना है मैंने, तो आज हम जा रहे हैं मवी कला, एक जगह है जहाँ पे क्या रिपोर्ट क्या होना है? एक्चुअली कल मतगणना है। अच्छा। मतगणना को लेके तैयार हैं जितने हमारे एजेंट बनेंगे उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके साथ मीटिंग है, उन्हें एक तरीके से बताना है कि किस तरीके से काउंटिंग की जाए, किस तरीके से देख रेख की जाए काउंटिंग। थोड़ा सा एक थर्ड आई, मतलब पूरा प्रशिक्षण तो है, कुछ 10% लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे, हर एक दूसरे के खिलाफ हर पार्टी बोलती है कुछ ना कुछ, पर जनता केवल उसे ही सुनती है जो कुछ सच में काम कर रहा हो। जो 2014 से पहले जितना मुझे याद है हमें इंटरनेट के लिए सोचना पड़ता था, बहुत रेयरली हम खोलते थे अपना इंटरनेट डेटा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जैसे ही हम ऑन करते थे हाँ। खत्म,
और 300-400 रुपए में 2 GB आता था। और आज जो ऑटो रिक्शा भी चला रहा है, साइकिल रिक्शा भी चला रहा है, जो गरीब मैं कहता हूँ निचले दर्जे का व्यक्ति भी है, जो कमाई में बिल्कुल अपने हैसियत में तो हर कोई ऊंचे दर्जे का है, पर जो कमाई में निचले दर्जे का व्यक्ति है उसका भी डाटा 24 घंटे ऑन रहता है। वो भी दुनिया जहां के बारे में न्यूज़ देखता है, यूट्यूब चलाता है और व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहा है। 2014 से पहले ये संभव नहीं था। अब देखो हर एक तमाम जो तबका है, चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो, उनके सबके जीवन जीने के स्तर में सुधार आया, बहुत सुधार आया। अब ये इसी सरकार में हुआ है, सड़कें बनी हैं, हाईवेज बने हैं, अप्रोच नज़दीक हुई है, तमाम फैसिलिटी। पहले हम छोटे छोटे तो सोचा करते थे, देखते थे कि भाई लोग बताते थे अमेरिका में किसान खेतों में गाड़ियों में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, तो अब देखो ये चीजें यहाँ भी संभव सब भारत में भी हो रही है। तो एक सक्षम नेतृत्व जब से भारत को मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो तब से लोगों को एक उम्मीद हर वर्ग के, चाहे वो गरीब वर्ग हो, वो भी रही है, उम्मीद जगी है। और अब 25 करोड़ से के आसपास जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे, वो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने का काम मोदी जी ने किया है। बहुत 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 बहुत। और हमारे प्रदेश में तो क्या, उत्तर प्रदेश क्या एक इस तरह का प्रदेश बन चुका था कि यहाँ जंगल राज हुआ करता योगी जी के आने से राइट, अपराधी लोग राइफल और बंदूकों की बैरल निकाल के गाड़ियों में चला करते, 10-10 खुल के, खुल के डरती थी। एक दहशत व्यक्ति कोई अपनी बात कह नहीं सकता था। आज राम राज्य, आज कोई किसी की हिम्मत नहीं कोई किसी को तंग करने का काम कर। सही बोले। एक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश माननीय हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक मतलब मिसाल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दी। सड़कों का ही देखो आप, याद है आपको जो ये लोनी से लेके शामली बड़ौद बागपत तक की जो रोड थी, मेरा होम टाउन वही है, बिल्कुल है ना, तो याद होगा कि हमें जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, अरे यार 3 घंटे लगेंगे, इतनी सड़क खराब है। और आज और फिर रात ना हो जाए, रात ना हो जाए, रात में डर होता था कि लूटपाट हो जाएगी, तो लूटपाट हो जाएगी। और जो बाहर से प्रदेशों में हम गए, राजस्थान में चुनाव के तौर पर जाते हैं हम, ड्यूटी लगती है हमारी पार्टी की तरफ से, तो लोग बड़ा जो वहाँ से ट्रक लेके आते थे, कह रहे साहब रात को हम यूपी में घुसते नहीं थे, अगर 5,000 रुपए हमारे पास थे तो ये मान लो कि 5,000 रुपए के ऊपर हमारी जान ले ली जाती। आज लेकिन उन लोगों में भी विश्वास है, योगी जी जब से आए हैं तो उत्तर प्रदेश में रात को किसी टाइम भी कोई भी घूमने का काम, बिल्कुल ये बात है। जो दूसरी पार्टियां विरोधी पार्टियां करती हैं, महिलाओं को नहीं करती, महिला किसी भी वर्ग की हो किसी भी धर्म की हो, वो जब पोलिंग बूथ पे जाती है ना और ईवीएम मशीन पे वोट दबाती है तो उसे याद आता है अभी योगी जी ने तुम्हें सुरक्षा दी है, और कमल के फूल वोट दबाने का काम करती है। बिल्कुल। जैसे मेरी वाइफ यहाँ की नहीं है, बाहर से इंडोनेशिया की है, आई थी जब 2016 में, मतलब 15 में भी एक बार आई थी वो शादी से पहले, तो कह रही कि भाई उस टाइम तो नई नई पार्टी बनी थी, नई नई सरकार आई थी बीजेपी की, तो डेवलपमेंट शुरू ही हुआ था, तो कहती यार बड़ी खराब रोड है और ऐसे है वैसे है। मैं उसको ताजमहल दिखाने लेके गया, फिर कितनी गंदगी है, ये टीवी में और उसमें तो बहुत ज्यादा दिखता है अच्छा। तो पर अभी जैसे जिस एरिया में मैंने 3-4 अपार्टमेंट उस टाइम कुछ इन्वेस्टमेंट मारा था, मैंने सस्ते थे अपार्टमेंट लेके डाले, कहते यहाँ क्यों ले लिए तूने, तो अभी जो वो 8-9 साल के अंदर वो चेंज देख रही है ना, रोड बन गई, साफ सफाई 10 गुना हो गई, चीज़ों में बदलाव आया। कह रही नहीं सीरियसली मैं बाहर की हूँ, मुझे नहीं पता कौन पार्टी कैसी है, बट इन 8-9 साल में इंडिया है चेंज्ड अ लॉट। तो वही चीज़ मुझे लग रही है कि हाँ भाई जब बाहर वाले को दिख रहा है हम तो यहीं के हैं। अब एक बड़ा अंतर यह है, अभी मैं आपको बताऊं, मैं ये बताने चाहता हूँ जो फैक्ट है, बिल्कुल मतलब एक बड़ा अंतर यह है, जो किसान की जमीन हमेशा से 50 साल से वही 2 लाख रुपए बीघा, 3 लाख रुपए बीघा उसमें वो खेती कर ले, अपना फसल उगा ले, अब ये सिर्फ बनने के लिए रोड दी है, इनसे आप देखो कितना आर्थिक बदलाव आता है, रोजगार कितना आया, जगह की कीमत कितनी बढ़ी है, और किसान के लिए भी कितना आर्थिक बदलाव आया। आज एक हर किसान किसी की जमीन 50 लाख रुपए बीघा, किसी की जमीन 1 करोड़ रुपए बीघा तक हमारे यहाँ होगी। अभी अक्षरधाम ये कनेक्टिविटी अक्षरधाम से जुड़ेगी, तैयार हो गया, तो आप यहाँ से बागपत से 15 मिनट में अक्षरधाम पहुँच जाए, सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी बागपत से बनेगी। आप अक्षरधाम जाओ, पेरिफेरल पकड़ो, पेरिफेरल से दिल्ली देहरादून, देहरादून जाओ, आप पूरी इंडिया में अगर आपको कहीं जाना है तो पूरी प्रॉपर कनेक्टिविटी है, यहाँ आप सीधा निकल सकते हो। अगर हम लोनी से भी चलेंगे तो लोनी से भी हम बागपत जाओ, बागपत ऊपर पेरिफेरल पर जाओ और कहीं भी जाओ, ये बहुत बड़ा चेंज है।
मीटिंग हो रही है वो मैं बता रहा ना आपको। ये वही मीटिंग हो रही है, कल फाइनल रिजल्ट आने वाला है ना, ये फाइनल रिजल्ट आने वाला है कल, उसी के लिए उनका डिस्कशन हो रहा है कि कैसे चुनाव की मतगणना होगी, वोटिंग की मतगणना होगी, तो उसी बारे में मीटिंग में समझाने आए हैं और सारे सारे जितने भी नेता हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा सुरंदर साहब ऑलमोस्ट जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ भैया, तो मैं इनको बीच में ना पूछूँगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं क्या बात में इनवॉल्व है, कोई मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा था अगर तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, एक ही मीटिंग में मेरी हालत ख़राब हो गई, हालांकि मैं मुझे पता नहीं अंदर भैया ये बहुत सारे पॉलिटिशियन अंदर थे, यहाँ से अंदर करीब 100 मीटर चलना था, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, ये तो पहली बार मैं एक पॉलिटिशियन के साथ आया हूँ, तो ये तो भैया अभी पहला जो दौरा था आपका, ऐसे तो कितने लगते होंगे दिन में? तो गांव-गांव में हर जगह ही है, चलना पड़ता होगा, बिल्कुल चलना, भाई बहुत मेहनत लगती है, गर्मी बहुत है। और ठीक है, आप जो भी अंदर चीजें हो रही थी कि कल कैसे कैसे चीजें, हाँ कल की तैयारी के लिए, अच्छा, अच्छा, मैंने अच्छा। बताया था जैसे मतदान वो मतगणना है कल, तो उसकी तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो वहाँ पर एजेंट बनाए जाएंगे काउंटिंग, तो उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं किस तरीके से आपको अपोज करना है, किस तरीके से जो आर ओ है उससे अपनी फोटो का मिलान करना है, तो तमाम चीजें। ओके ओके, अभी जैसे नेता हैं भाई लोगों के सुख में आते हैं तो दुख में भी आना पड़ता है, मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि किसी की तेल भी है तो वहाँ आना पड़ा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे भीड़ है, लोग बैठे हैं, तो सुख के साथ दुख में भी लोगों के शामिल होना पड़ता है, थोड़ी सी ड्यूटी का टफ होती है पॉलिटिशियन की, तो अंदर की चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा नहीं होता किसी के दुख को रिकॉर्ड करना, मेरा ये मानना है। और इसके बाद बस हम निकलेंगे और मेरी जो गाड़ी है भैया के घर के बाहर पार्क है, तो भैया ड्रॉप करेंगे मुझे वहाँ पर, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो भाइयों मैं इससे ज़्यादा नहीं घूम पाऊँगा भैया के साथ क्योंकि भैया को भी बहुत काम होते हैं और मैंने सवाल जवाब भी बहुत ज़्यादा कर लिए भैया से, और मैं भैया का शुक्रिया अदा करूँगा कि भैया ने मुझे हर सवाल का जवाब डिटेलिंग में दिया है, क्योंकि मैं तो एक बच्चे की तरह सवाल पूछता हूँ, पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है, पर फिर भी भैया ने बड़े होने के नाते मुझे अच्छे से सारी चीज़ समझाई, और धन्यवाद भैया आपका उस चीज़ का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा रहे हो, आ रहे हो ना पूरे दिन साथ? मेरा शाम का जिम छूटेगा, आप चाहोगे आपके छोटे भाई का जिम छूटे? नहीं, 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 आपने आते मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, लावण ने पहले से भी ज्यादा फिट हो गए, है ना, तो मैं फिट हो गया काफी ज्यादा। अरे थैंक यू सो मच, अभी आप मुझे पहले घर ड्रॉप करो, घर ड्रॉप नहीं करोगे, आप अपने घर चलिए, मेरी गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है, तो आप अपने छोटे भाई को जैसा लेके आए थे ऐसा कैसा छोड़ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे